बिन दूल्हे शादी को लेकर कई दिनों से चर्चा में रही शमा बिंदु ने आखिरकार खुद से शादी कर ली है। उन्होंने तय समय से 3 दिन पहले ही शादी रचा ली है। लाल जोड़े में सजी शमा की शादी में सब कुछ वैसा ही था जैसा किसी हिंदू लड़की की शादी में होता है, बस कुछ नहीं था तो वो है दूल्हा और पंडित जी। शमा ने खुद की मांग में सिंदूर भरा और खुद को मंगलसूत्र पहनाकर अकेले सात फेरे लिए। शमा ने शादी की रस्मों को पूरा करने के बाद कहा, मैं बेहद खुश हूँ कि आखिरकार अब मैं शादीशुदा महिला हूँ। शमा 11 जून को शादी करने वाली थी लेकिन उस दिन किसी विवाद की आशंका की वजह से उन्होंने तय समय से पहले यानी कि 8 जून को ही शादी कर ली। शादी में शमा के कुछ दोस्त और करीबी रिश्तेदार ही शामिल हुए। 40 मिनट तक रस्मों का दौर चला जो पंडित जी के न आने से डिजिटल तरीके से संपन्न हुआ। नाच गाना और खुशी के माहौल के बीच रस्में पूरी हुई। माना जा रहा है कि भारत में खुद से शादी करने का ये पहला मामला है। शादी से पहले मेहंदी और हल्दी रस्म निभाने वाली शमा ने कहा कि उसके कुछ पड़ोसियों को शादी को लेकर आपत्ति थी और उन्हें आशंका थी कि उस दिन कुछ लोग बाधा डाल सकते हैं, इसलिए तय समय से पहले शादी रचानी पड़ी। शमा ने कहा, मैं मंदिर में शादी करना चाहती थी लेकिन दुर्भाग्य से मुझे वेन्यू बदलना पड़ा। शादी की रस्में पूरी होने के बाद शमा ने दोस्तों और मेहमानों के साथ जमकर डांस किया। आईने के सामने खड़े होकर शमा ने खुद को चूमा और मुस्कुराते हुए कई पोज दिए।